स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल फ्यूचर टेक में, और आज हम अनबॉक्सिंग करेंगे Realme 5S की। ये है वो बॉक्स, और करते हैं इस बॉक्स को अनबॉक्स, और आप वीडियो को देखें अंत तक और मैं आपको बताऊंगा इसके कुछ खास फीचर। तो करते हैं हम सबसे पहले इसकी सील है वो ब्रेक, और उसके बाद में करते हैं इसका ये प्लास्टिक रैप। बॉक्स पे भी हमें इसके कुछ हाइलाइट्स दिए गए हैं, जो कि हैं 5000 mAh की बैटरी और स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर और 48 MP क्वाड कैमरा पावर हाउस। और कुछ और फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो आप यहां देख सकते हैं पूरा क्वाड कैमरा सेटअप है वो लिख रखा है। स्क्रीन साइज 16.5 सेंटीमीटर 6.5 इंच हो गई, और जो MRP है वो 11,999 रुपये लिखी हुई है, लेकिन ये हमें मिल जाएगा 9,999 रुपये में। और फ़ोन के अंदर हमें चार्जर, USB डाटा केबल, सिम इजेक्टर वगैरह सारी चीज़ें मिल जाती हैं। तो करते हैं इसको सबसे पहले अनबॉक्स, और उसके बाद में देखते हैं हमारी मेन यूनिट को। और सबसे ऊपरी ऊपर मिलता है हमें ये एक सेक्शन जिसमें लिखा है लेट्स एम्ब्रेस ए न्यू जर्नी, है वेलकम टू रियलमी फैमिली। और सबसे पहले ही हमें मिल जाता है ये एक रियर सॉफ्ट TPU सिलिकन केस, और ठीक ठाक है एक बार के लिए तो ये, और बाद में थोड़े दिन बाद में हो जाएगा ये कलर इसका चेंज। और ये है हमारी मेन यूनिट, इसको रखते हैं हम एक बार यहाँ साइड में। उसके नीचे और मोर देखते हैं हमें क्या क्या मिलता है। ये हमें मिल जाता है एक पावर एडाप्टर, जिसकी अगर मैं रेटिंग की बात करूँ तो ये 5 वोल्ट 2 एम्पियर का नॉर्मल चार्जर है 10 वोल्ट का। और ये हमें मिल जाती है एक माइक्रो USB to USB केबल, जो कि डिसअपॉइंटिंग है, अगर टाइप सी होती तो काफ़ी अच्छी बात होती। और सबसे नीचे नीचे बॉक्स में हमें मिल जाती है ये सिम इजेक्टर टूल, जो कि है बहुत ही काम की चीज़। और अब सबसे पहले हम देखते हैं हमारी मेन यूनिट को। तो ये है हमारी मेन यूनिट, उतारते हैं इसका प्लास्टिक रैप। और कलर जो है ये है पर्पल कलर, और IMI स्टिकर चिपका हुआ है, इसको भी उतारते हैं। और ये है इसका कैमरा सेटअप। अगर मैं फ़ोन के ओवरव्यू की बात करूँ तो बैक साइड से अगर स्टार्ट करते हैं तो यहाँ हम सबसे पहले हमें मिल जाती है Realme की ब्रांडिंग, ऊपर की तरफ हमें मिल जाता है ये क्वाड कैमरा सेटअप, और यहाँ लिखा हुआ है 48 MP का कैमरा। ऊपरी ऊपर मिल जाता है हमें 8 MP का एक वाइड एंगल लेंस। यहाँ दूसरे नंबर पे मिल जाता है 48 MP का कैमरा। नीचे मिल जाता है 2 MP का डेप्थ सेंसिंग के लिए कैमरा, और सबसे नीचे मिल जाता है 2 MP का माइक्रो कैमरा, और साइड में दिया गया हमें ड्यूअल LED फ्लैश। यहाँ मिल जाता है हमें एक ये फिजिकल फिंगरप्रिंट सेंसर, जो कि काम करेगा बड़ा ही स्मूथली। और अब हम फ़ोन के अगर फ्रंट साइज फ्रंट में बात करें तो फ्रंट में सबसे ऊपरी ऊपर डिस्प्ले पर हमें चिपकी हुई मिलती है एक प्लास्टिक की फिल्म, जो कि इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव तो नहीं है लेकिन स्क्रीन को स्क्रैच होने से बचा पाएगी। फ़ोन के ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो ये जो दिखाई दे रहा है ये है 13 MP का सेल्फी कैमरा, और इसके जस्ट ऊपर जो ये जगह है ये है स्पीकर ग्रिल ईयरपीस की। तो अब हम बात करते हैं फ़ोन के राइट साइड में। राइट साइड में हमें मिल जाता है पावर लॉक अनलॉक बटन। फ़ोन के अगर ऊपर की तरफ की अगर हम बात करें तो पूरी तरह से है क्लीन, और अगर हम फ़ोन के साइड की बात करें तो साइड में हमें मिल जाते हैं वॉल्यूम रोकर बटन्स, और उसके जस्ट ऊपर मिल जाती है हमें सिम ट्रे। सिम ट्रे हम चेक करते हैं कि हमें है वो कैसी सिम ट्रे मिलती है, तो बिल्कुल ये एक नॉन हाइब्रिड है, 2 सिम और 1 मेमोरी कार्ड हम साथ में लगा सकते हैं, 512 GB तक का स्टोरेज हम इसमें एक्सपेंड कर सकते हैं। अब बात करते हैं फ़ोन के नीचे की साइड की। तो सबसे लेफ्ट साइड में हमें मिल जाता है 3.5 mm जैक, उसके बगल में प्राइमरी माइक्रोफोन, सेंटर में मिल जाता है USB चार्जिंग के लिए जगह, और राइट साइड में मिल जाती है स्पीकर ग्रिल। तो ये था इस फ़ोन का ओवरव्यू, और करते हैं फ़ोन को हम बूट। फ़ोन हो चुका है हमारा बूट, और सबसे पहले जाएंगे हम इसकी सेटिंग में, और सेटिंग में जाके देखेंगे कि हमें इसमें क्या कुछ है वो देखने को मिलता है। तो अबाउट फ़ोन में जाते हैं। अबाउट फ़ोन में जाएंगे तो हमें सबसे पहले मिल जाएगा मॉडल नेम, जो कि है Realme 5S। उसके बाद में हमें प्रोसेसर मिल जाएगा स्नैपड्रैगन 665 ऑक्टा कोर प्रोसेसर मिल जाता है, 4 GB की है वो रैम मिल जाती है, डिवाइस स्टोरेज है वो है 64 GB का, और 51 GB है वो हमें अवेलेबल मिल जाती है काम में लेने के लिए, और जो सिक्योरिटी पैच लेवल है वो है नवंबर 2019 का। और बैटरी जो है वो है 5000 mAh की, जो कि चलने वाली है काफ़ी अच्छी। अब मैं इसकी कुछ सिक्योरिटी टेस्ट ज़रूर करना चाहूँगा। तो सबसे पहले तो मैं इसमें फिंगरप्रिंट और फेस अनलॉक है दोनों मैंने वो इसमें इंस्टॉल कर चुका हूँ। मैं सबसे पहले चेक करते हैं इसके अंदर फिंगरप्रिंट लगाते ही ओपन,
लगाया लगाते ही ओपन, लगाया लगाते ही ओपन, तो क्विक ओपन हो रहा है, एकदम क्विक ओपन हो रहा है। तो फिंगरप्रिंट है वो काफ़ी फास्ट है। और अब बात करते हैं हम फेस अनलॉक की, तो देखते हैं फेस अनलॉक है वो कैसे काम करता है इसमें। और स्वाइप अप टू ओपन, स्वाइप अप टू ओपन, स्वाइप अप की सेटिंग है वो हम ऑफ करते हैं और डायरेक्टली फेस से अनलॉक करने का ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं। अब देखते हैं फ़ोन कितना जल्दी है वो अनलॉक होता है। मैं इसकी तरफ नहीं देख रहा हूँ और ये क्विक एक्सेस कर गया, फिर भी मैं दोबारा ट्राई करता हूँ, मैं इसकी तरफ बिल्कुल नहीं देख रहा। जैसे ही देखा क्विक ओपन, मैं कंटिन्यूसली इसकी तरफ देख रहा हूँ, हल्की सी लॉक स्क्रीन आती है, एक हल्की सी लॉक स्क्रीन आती है, तो कुल मिला के ये ठीक है। अब बात करते हैं इसके कैमरा सेटअप की, तो कैमरा सेटअप है वो है हमें मिल जाता है इस टाइप का कुछ, और इसके अंदर हमें काफ़ी सारे मोड्स मिल जाते हैं, और वीडियो के लिए हमें 4K रिकॉर्डिंग का ऑप्शन भी मिलता है जो कि काफ़ी अच्छी बात है। उसके अलावा हमें इसमें अलग अलग मोड मिल जाते हैं काफ़ी सारे, स्लो मोशन के, अल्ट्रा मैक्रो के, एक्सपर्ट के, पैनोरमा के, तो सारे जो है वो हमें मोड मिल जाते हैं फ़ोटो और वीडियो के अंदर। कैमरे का जो है वो मैं एक कंप्लीट टेस्ट करूँगा और पूरा है वो मैं आपको बना के दिखाऊंगा, इसका हर एंगल से वीडियो शूट करके दिखाऊंगा। अल्ट्रा वाइड भी है इसके अंदर, तो अल्ट्रा वाइड का भी मैं आप एक को छोटा सा डेमो देता हूँ। ये अल्ट्रा वाइड का है, अल्ट्रा वाइड करते ही ये काफ़ी पीछे हो जाता है और करते ही वापस नॉर्मल हो जाता है। देखिए आप वीडियो को आगे, मैं इसमें इसके पूरे कैमरा के जो टेस्ट हैं अलग अलग मोड से वो टेस्ट करने वाला हूँ। और आपको बता देता हूँ, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करना। ये मैं शूट कर रहा हूँ Realme 5S से, और जो क्वालिटी है वो आप देख सकते हो कुल मिला के अच्छी है। और मैं चारों तरफ से आपको एक लुक दे देता हूँ। करते हैं इसका एक जूम टेस्ट। ये है 1x जूम, ये है 2x जूम, और ये हो गया 5x जूम। 5x जूम में जो क्लियरिटी है वो इतनी अच्छी बिल्कुल भी नहीं है। ये मैं शूट कर रहा हूँ वाइड एंगल कैमरा से, और इसमें ये नॉर्मल जूम है, 1x जूम है, और अब मैं इसको ये 2x जूम करता हूँ तो ये इतना आगे हो जाता है, लेकिन बाद में भी ये वाइड एंगल में है। ये मैंने ली है 48 मेगापिक्सल की रियर कैमरा से फ़ोटो, और ये जो फ़ोटो है ये है एक नॉर्मल फ़ोटो, और ये मैंने एक सेल्फी कैमरा से फ़ोटो ली है जो कि है 13 मेगापिक्सल का, और ये जो मैंने है ये पोर्ट्रेट फ़ोटो ली है सेल्फी कैमरा से, और ये जो है ये मैंने 4 सेंटीमीटर से नज़दीकी से ली है मैक्रो शॉट, ये पोर्ट्रेट मोड है पीछे का, और वाइड एंगल शॉट है वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये एक वाइड एंगल शॉट है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।